गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मु अनिता साहू सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक कॉलोनी सुंदरगढ़ शिक्षयित्री षष्ठ श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक वर्चुअल क्लास को स्वागत जनाऊ। तो पिलाने आज तो तुम समस्त जान जे आमे साइंस रो क्लास करूचे, तो आमे विज्ञान रो गोटे पाठटे पढ़वा जार नाम हूँ उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन और कार्य। तो पिलामने तुम समस्ते उद्भिद कहले तो जान समस्ते देखुच गच्छ लता, तुम जो तुम घरे लगाई गच्छ लता, जो रास्त जाऊ देखुच गच्छ लता, तुम बण जंगल भी देखुच गच्छ लता, तुम समस्ते उद्भिद विषय जाच। तो से उद्भिदर विभिन्न अंश तार गठन कौन ता कौन से आम कार्य करें आज पढ़वा। तो तुम्हें माने समस्त जान उद्भिद हेउची एक सजीव, ठीक अच्छे तार जीवन अच्छी आमर जमी जीवन अच्छी ना, आम श्वासक्रिया करूचे खाद्य ग्रहण करूचे, से भावे उद्भिद मध्य कौन करूची ना श्वासक्रिया करूची, खाद्य से निजे प्रस्तुत करूची आ खाद्य ग्रहण मध्य करूची। तो चलो आज आम देखा से किपर भाव सब करूची, ठीक अच्छे। तो आमे चलो स्टार्ट करिबा पढ़ा आगो को। तो पिला मैंने देखो आमे प्रथमे उद्भिदर विभिन्न अंश विषय पढ़ा। देखो आम जमी शरीर अच्छी आम शरीर विभिन्न अंश रही हाथ गोड़ आखि नाक कान सब किसी रही भाव उद्भिदर मध्य किसी अंश रही। तो से अंश गुडी को आम देखा जाणीबा आ से अंश कौन कार्य करूची ताकू मध्य आम जाणीबा, ठीक अच्छे। तो देख देख ये हला उद्भिदर विभिन्न अंश, ये हूँ गोटे कौन उद्भिद। देख गच्छटी अच्छी से गच्छर ये जगह देखु इटा को आम कौन कौचे ये कौटी रही मटी है मटीर तले रही आम कहे मूल आज चेर मध्य कौ गचर चेरटा मटी भितर को पशिक रही समस्ते कही था ना। आख कौन कौन तार रही मूल रिके ऊपर को कांड एटा मोर कांड ना जापे देख एटा है तुम फल एटा है तुम पत्र आ फूल गचरे एति की जिनस ही तुम थाए कौन थाए ना मूल कांड मान तुम पत्र फूल आ फल बुझेगा। तो देख आम पुणी आग को बढ़िया ये सब जो विभिन्न अंश रही विभिन्न अंश सब कौन कार्य करमी देख मनीषर हाथ रही हाथ तो कौन काम कर खाइबारे काम लगौ आम कौन कार्य कर हाथ राम करोड़ कम कौन कर चलबारे काम लगौ लगौ कि नहींपरी भाव जो गचर जो अंश गुड़िक रही ये कौन कौन कार्य कर चल आम देखा। देख प्रथम आम पढ़वा मूल उद्भिदर जो अंश रजार भ्रूण मूल रु बाहरी मटी भितर थाए मूल कहते कहलीटर भाए तो मैंने देख ये चित्र टी अच्छी कहली एति पर्यटन आम मटी अच्छी मटीर तल को रही मूल बुझिपाल मटीर तल को भल भाव लक्ष्य कर जो मटीर तल को ही मूलटा रही था कौन पे रही था मूल कार्य करने रही था जो मूल कार्य कौन चल आम पढ़वा आउ कौन होता है ना यह आलोकर विपरीत दिगरे आलोकर विपरीत दिग मान कौन मटी तले आलोक रोचे कि आसुची ना तो सी आलोकर विपरीत दिगला कौन कहे ना माध्याकर्षण दिगरे। तुम्हें समस्त जान जदि आम कौन जिनस को ऊपर को फोपाड़ा तो से कौ पटक आसब तल आड़क आस कारण आम पृथ्वी कौन अच्छी माध्याकर्षण शक्ति अच्छी से पृथ्वी भितर देखिए मूलटा रही कहते माध्याकर्षण शक्ति मान दिगरे ही मूल टी जा तुम मृत्तिका आड़क बढ़ी था बुझेगा मटीर तल आड़क बढ़ी मूलटा जा तुम तापर देख प्रधान मूल रु शाखा मूल और से प्रशाख मूल बाहरी माटी भीतर बढ़ी थाए एवं एहा माटी रा बहु तल को जाई माटी को धरी रखे फल रे
गच्छ दृढ़ हो रहे और माटी भीतर जल संग्रह करे। देखो ए भी जो तुम्हारे रहिला माटी आ ए भी रहिला तुम्हारे जो मूल से कौन कला ए मूल रू माटी को जाबुड़ी की धोला जो थी पाई की तुम्हारे गच्छी कौन है दृढ़ भाव रहिला माटी को जाबुड़ी धरला आ से सहजरे उपुड़ी पारिबो नाही। जदि गच्छर चेरटा बा मूलटा जदि माटी को जाबुड़ी की न धरी थांदा तो कौन ही थांदा गच्छी सांगे सांग माने उपड़े पार दे थांदे जदि पवन भी टिके हला से कौन ही थांदा उपुड़ी की पड़ी जाई थांदा किंतु मूलर कार्य कौन देख से माटी को कौन कहती जाबुड़ी की धरिकी रखुची दृढ़ भाव सेमती देख तुम्हें मैंने तुम शरीर को जदि आम स्ट्रंग करकी ठिया हेबा तो किए जब आमको चाहिए पकेबापी तो कष्ट हम आम कह आम निजक आम स्ट्रंग से भाव रखा सेपरी जमती मूल जो निजक से स्ट्रंग करके रखिला मटी को जाबुड़ी धरिकी रहा से कौन करपाड़ी पारे ना बुझिपाल जे मूल कौन कला मटी को जाबुड़ी को धरला आ कौन कला ना मटी भितर थी जल संग्रह कला मटी भितर आम तुम निजे भी जान जिते आम गोटे लगोचे गच्छ लगे सारा कौन दौचे पानी दौचे तो जिते बे पानी दौचे से पानी टा जाऊचे कड़े मटी भितर को आसे मटी भितर तार मूल कौन कर जल को शोषण करुच्चे। देखो नेक्स्ट जीवा मूल विभिन्न अंश विषय आम जाना तार कौन कौन आउ अंश रही विषय भी आम पढ़ा है। देख मूल अग्र भाग रे अति क्षुद्र टोपी भली एक अंश रही था एहा मूल को माटी सह घसी होई क्षय हेबाकु हेबारु तुमर कौन करे रक्षा करे एहा को कहा जे मूल त्राण कौन कहा जे ना मूल त्राण। तो देखिबा से मूल त्राणटा कोटा देख पिला माने ये होची उद्भिदर मूल जैछि भल भाबरे लक्ष्य कर ये कौन जैछि उद्भिदर मूल जैछि ए जो सीधा भाव देख माटी भितर को आपको आम कह प्रधान मूल कौन कहले ना प्रधान मूल ताप देख प्रधान मूल रु कि शाखा भाया बाहरी आम कहले शाखा मूल तापर शाखा रु आहरी कि बाहरी आम कह प्रशाखा मूल बुझीला। तो तुम्हें कौन जान लो ना मूल रही प्रधान मूल तापर आम शाखा मूल बाहरी प्रशाखा मूल बाहरी देख एमती जो प्रधान मूल लंबी की रही पर्यत ए तल लास्ट को देख ये गोटे टोपी भली क्षुद्र अंश टे रही कौन हब ना मटी भितर जदि घसी हब तो नष्ट से गच्छ नष्ट नापाई ताको गोटे टोपी भलिया देख गच्छ निजे तैयारी कर तो आम कौन कहले मूल त्राण बुझिपाल जे गच्छ को नष्ट नापाई गोटे मूल त्राण रही मूल रे। देख मूल त्राण पक्ष को कोष विभाजन और तापर थिबा वर्धनशील अंश मूल को वृद्धि रे सहाय्य करे ताकु कौन कला ना वृद्धि बारे बढ़ी बारे सहाय्य कला ता पछरे थिबा मूल रु गुड़िए मूल लम बाहरी थाए एही मूल लम ही जल शोषण करिबारे सहाय्य करे। ए जो मूल लम गुडा देखु जो ना ए जो लम गुडा सब ये कौन करे तुमर जल शोषण करिबारे सहाय्य करे। एठी भी देख एठी भी लुण केमती बहुत गुडे मूल शाखा मूल प्रशाखा मूल बाहर गुच्छ हेकी गुच्छ मूल हेकी तो ये भी कौन करे मूल गुरा तार जल शोषण करिबारे सहाय्य करती जल शोषण करती आ गच्छ को पठाती। तापर देख प्रत्येक शाखा और प्रशाखा मूल रे मध्य कोष विभाजन अंश वर्धनशील अंश आ मूल लम अंश रही था सब अंश भी आम प्रत्येक गच्छरे रही देख गच्छर गठन और कार्य अनुसार यह आमर केतोटी भागरे विभक्त करा जाइछि केतोटी आ तीन भाग रे आमे विभक्त करू कौन कौन ना प्रधान मूल गुच्छ मूल आ रूपांतरित मूल बुझेला मु से जो चित्र रे देखैतिले ताको पुनी देखौछि देख एटी कि परे तमर प्रधान मूल रही आ ये गुच्छ मूल रही आगो को आम पुनी रूपांतरित मूल विषय पढ़ा।
ठीक अछि तो तुम मैंने बहुत भल भाव देख एटा केमती प्रधान मूल रही आए गुच्छ है मूल टा रही पूरा गुच्छा गुच्छा टाइप अच्छी तुम निजे भी देखी थो कौन गच को उपाड़ी देखी थोड़े दे जापर जे ये प्रधान मूल यार रही गुच्छ मूल यार रही तुम जापर तापर देख विभिन्न प्रकार मूल विषय आम पढ़वा तो तुम्हें माने समस्ते बर गच देखी थो निश्चिंत भाव बर गच तो ये बर गच बहुत वर्ष किसी वर्ष गला तार ओहल सब बाहरी थाए है ओहल कौन हुए ना मटी भितर को सी भी पुणी पड़े थाए तार निजर तो मूल रही कि गच्छे ऊपर को उठे तार पुणी कौन बाहरी जाए ना ओहल बाहरी जाए आई जो बर गच को कौन कै तड़क भाव धरी रखी थाए बुझिपाल तो आपको आम कह स्तंभ मूल आर चित्र देखी किपर भाव आम बर गचर ओहल बाहरी ओहल को आम जो कह ना स्तंभ मूल देख एटा हूँ तुम बर गच आ बर गचर केमती ओहल बाहरी लक्ष्य भल भाव लक्ष्य कर एटा हूँ बर गचर सब ओहल बाहर की देख मटी पाख को पूरा मटी तलू सी भी तार कौन या गोटे गोटे मूल या तो यही जो मूल तुम्हें देख ल आपको आम कौन कह स्तंभ मूल बुझेगा कौन कह स्तंभ मूल कारण स्तंभ भाया अच्छी तुम स्तंभ देखि ना एमती सीधा सीधा स्तंभ तो आपको आम जेहेतु स्तंभ भाया रही तो आम आपको स्तंभ मूल कहीपर ताप देख किया गच चित्र देखी भल भाव देख शुण जे कि गचर बाहरी मूल कि गच को ठेसी रखे आई कहुए ठेस मूल देख ये हूँ किया गच है कि गचर मूल को आम कह ठेस मूल यो यार मूल रही ना तो आम आपको कह ठेस मूल ये ठेसिकी रखी मानते भरा दे कि रखी है गोटे ठेस आम गच गोटे नई पड़े गोटे ठेस दौना देखी थो तुम घर मानक तुम बापा माँ दौर कौन गचटा जो नई पड़ी तो आम कौन दे था ठेस दे था तो आम कौन कह ठेस मूल बुझेगा तापे देखो समस्त प्रकार मूल को आस्थानिक रूपांतरित मूल कई मूला गाजर क्षेत्र में प्रधान मूल रूपांतरित हो भंडार मूल होता है तुम्हें माने समस्ते देखी थो गाजर मूला बीट ए सब कौन है ना माटी भीतर था बुझेगा माटी भीतर से तुम देखी मूल टा मटीर भीतर था ताकू आमे कहिबा भंडार मूल से खाओ ना माटी भीतर जो फली था मूला खाऊ बुझेगा तो आम कौन कहला ना भंडार मूल तापर देख मूल रे कार्य विषय जानवा मूल एवं कौन कार्य कै मूल तो विषय जाणीदल मूल मूल तम जो गचर मूल टा कौटी रहे किपर भाव गच्छ को जबुड़ी धरे कि जहाँ भी तार कौन कार्य लगे किसी जान ल तो एबे पूरा आमे पुणी तरे मूल कार्य विषय जानवा देख मूल उद्भिद को माटी रे जाबुड़ी धरी रखी था आगु मध्य मु कहली जे मूल कौन करे ना माटी को जाबुड़ी को धरी था कौन पे धरी था स्ट्रंग भाव रही सीधा भाव तो से माटी को जाबुड़ी तार चेर साहय किपर भाव तार कांडटी सड़क भाव माटी रही पार देख मटी जल और खनिज लवण को शोषण कर उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए आउ कौन करे मूल ना माटी रे जो आम जल दौचु जो सार दौचु से सब जिनस को कौन कला मूल शोषण कला आउ गाख को देखो रूपांतरित मूल गुड़िक खाद्य संचय कर रखा सह कांड को दृढ़ भाव धरी रखी थाए एवं तुमको कहली से कौन कै कांड को दृढ़ भाव धरी रखी थाए मूल जिते माटी को जाबुड़ी धरला से कौन है कांड टी दृढ़ भाव ठिया रही पार बुझिपार तो समस्ते मूल तुम अंश कौन कौन जान ल तार कार्य मध्य जान ल तुम किपर प्रधान मूल रही शाखा मूल रही प्रशाखा मूल रही बुझ ल मूल प्राण विषय जान ल तो
समस्ते भल भाव शुणु कारण यार प्रश्न आगक रही तुम्हें तार आंसर कह देख तो पे तुम समस्ते मूल क्लीयर हो गल एवं जी कांड उद्भिद कांड भी रही तुमको चित्र देखी उद्भिद किपर भाव कांड रही मूल रु कौन रही रही कांड टा तो जाणी चल देख गोटे उद्भिदर जो अंश गजार भ्रूण कांड रु बाहरी माटी उपरे बढ़ी थाए कांड कहुए देख जोटा माटी रो तले रहिला आमे ताकु मूल कहिला कौन कहिला मूल कहिला जे माटी रो ऊपर को रहिला ताकु आमे कहिले कांड बुझी पारिलो एटा भल भाव मन देखी बुझी था जे माटी रो तले को जे रहिला से मूल हला माटी रो ऊपर को जे रहिला से कांड हला बुझिला कांड रो जेउ अंश रु पत्र बाहरी थाए ताहाकु गंठी कहा जाए देख कांडर जो अंश रु पत्र भाता एठी देखो चित्र टी गोटे मु तमरो कांडर चित्र टी नेछि से कांडर जो पत्र बाहरी ना ताकु आमे ए गुडा सब गंठी कहिबा कौन कहिले गंठी कहिले बुझेला दुईटी गंठी रो मध्यवर्ती स्थान को आमे पब कहिबा कौन कहिबा ना पब कहिबा देखो एठी दुईटी गंठी अछि दुईटी गंठी एठी भी आ गोटे गंठी रहिला एठी मध्य गंठी रहिला ए जो दुईटी गंठी रो जो मझी अंशटा रहिला ना ए अंशटा आकु आमे कहिले पब कौन कहिले ना पब बोली कहिले मन देखि सुनि थ दुईटी गंठी रो मध्यवर्ती अंश को आमे कहिले पब तापे देखो गंठी रो जेउ थारु पत्र बाहरी थाए सही ठारे कांड ओ पत्र रो मध्यवर्ती स्थान को कक्ष कहंती जो जगार कौन है गंठी ए गंठी जो जगार पत्र बाहर लाइट देख ये जाए सब पत्र गुडा बाहरी जगह गुडा तुम पत्र बाहरी से पत्र जगह को कहगला कक्ष आक्ष कढ़ी बा कलिका थाए आई कलिका थी आम कौन कह कक्ष कलिका बोली कह बुझेगा कक्ष कलिका गुड़िक शाखा कांड ओ फुलरे परिणत होइथे तुम मैंने समस्त देखी थी गच्छ तो जेते बेले तुम फुलटा भी छिंडाओ तामे ताकु कोन कोइ थाओ तार डेंफ तु छिंडे था जेते बेले तुम सेठ देखि पारिबो से जोटे कलिका थाए मु एबे तुमको बतेली जोठु पत्र बाहरुची सेई जगह को आमे कलिका बोली कहुचु सेई कलिका रु तापरे धीरे धीरे पुणी शाखा बाहरुची कांड बाहरुची आ सेठु पुणी फुलरे मध्य परिणत होउची तापे देखो आमे तो कांड विषय पढ़ला एवं गच्छर जो गठन रही गठन दृष्टि कांड को आम दुई प्रकार कि कांड रही सबल कांड दुर्बल कांड बुझीला सबल मान कौन जे पूरा पुष्ट पुष्ट होती तार बल बहुत अच्छी आम सबल कह तम मैंने भी किए किए अच्छा सबल किए आम मैंने रोचु दुर्बल भी जो मैंने सबल आम कौन रही पुष्ट पुष्ट होमको कहे भी कौन करेंगे हल पारे से भाव गच्छ जिते बड़े सबल रही था ना सहजरे कई कौन करेंपाड़ी पारे ना तो देख आम प्रथम पढ़वा सबल कांड विषय तो सबल कांड कौन कौन जाऊँगी आंब पणस पिजुली बाउंश बैगण ये सब गच्छ को आम सबल गच्छ सबल कांड गच्छ बोली कही था तो देख ये गोटे पिजुली गचर चित्र रही तुम तार कांड देख बहुत दृढ़ भाव माटी सहित रही माटी ताकू जबुड़ी धरी बहुत दृढ़ भाव बुझेगा जिते पवन आसले कि आम मैने चाहिए सहजरे उपाड़ी पार ना बुझेगा देख दुर्बल कांड दुर्बल कांड कौन ना सी अन्यर सहारा नहीं थी कारण तांड तर दुर्बल ना से तो निजे ठीक भाव दृढ़ भाव रही पारुनी तो से कौन कर साज्य नेब ठीक अच्छे तो जी अन्यर साज्य नेला से कौन हो गला दुर्बल कांड हो गला जोटा कि आम लता जितिय गचु तो कौ कौ गच रहा तुम देख कखारु पोई कलरा तुम्हें समस्त गच्छ गुड़ा देखी थो कखारु गच देखी थो कम घर मानक भी
तुम्हार बाड़ी रे लागी थाए कोखारु गछ कोलरा गछ बुझेला तो ये गोटे होची कोलरा गछर चित्रटी ये कोन यार कांड होची दुर्बल ये सबल भाबरे जेमती पिजुली गछटी दुढा भाबरे ठिया होई रहीची यार कांड केबे भी ठिया होई रही पारिबो नाही आकु सेति पे कोन करंती अन्य गोटे जगह रे भरा दे दियंती माने कोनसी गछरे चढे दियंती कि कोनसी जति तुमे बांसर गोटे बाड़ी ते भी थोई देलो तापरे से पुणी गुड़ी होई है पड़े तो तुम्हें माने जानी पारिलो दुर्बल कांड कौन आउ सबल कांड कौन एबे देखो पढ़िबा मूल भली कांडर मध्य रूपांतरित घटी थाए जेपरी तुम्हारा मूलार रूप मूलर रूपांतरित घटी थला ना जेमती तुम्हें प्रधान मूल कहिलो आउ कौन रही छे तुम्हारा गुच्छ मूल रही थला सेई परि भाबरे कांडर मध्य किछिटा रूपांतरित घटुची એટલે રૂપાંતરણ કોણ કોણ હોચી દેખો કો કો ગછર અદા આળુ પિયાજ ઓ ઓલુઓ ગોટે ગોટે રૂપાંતરિત કાંડ બુઝેલા એ ગુડીક રૂપાંતર હોઈ માટી તળે રહી થાંતી દેખો એડી ચિત્ર રહીચી આળુ અદા પિયાજ ઓલુઓ એ સબ કોડ થાંતી માટી ભીતરે થાંતી આ એમાને હોચોની નિજે નિજર ગોટે ગોટે કાંડ એમાને કાંડ રે રૂપાંતરિત હેઈછંતી બુઝેલા तापर आहुरी आमे उदाहरण नै परिबा आलू प्याज अदा ओलुओ सहित तुमरो सप्तफेणी नागफेणी आकु माने एई गुडा भी मध्य कोन गोटे गोटे रूपांतरित कांड कलरा जोंधी लाउ कोखारु गछर रूपांतरित शाखा कांड मान थाए से जो कलरा गछर भी कांड गुडी कर होई छि ना से माने जो शाखा भाजी ताकु मध्य आमे रूपांतरित शाखा कांड कहि था तापर देखो कांडर कार्य कौन आमे जानिबा जे कार्य से कांड कौन कार्य करूची जेमिति मूल कार्य कौन कला ना माटी भितरे तार चेर माटी को जाबुडी धरला जल शोषण करी गछर ऊपर को पठेला से कौन करिबो खाद्य उपयारी करिवो बोली गछ को पठेला ना जल तापरे सेही परि भाबरे आमे आजि पढिबा कांडर कार्य देखो ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଆଉ ସବଳ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ତ ସବଳ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସିଏ ଗଛକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିପାରିଲା ତ ଏଇଠି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଗଛକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧରି ରଖିଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଗଛଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବଢିଥିବ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ ମୂଳ ତ ପାଇପାରୁନି ନା କାରଣ ମୂଳ ତ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲା ତ କାଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ଗଛକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ କାଣ୍ଡ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କଲା ମୂଳ ତ ଜଳ ଶୋଷଣ କଲା ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କଲା ଆଉ ଶୋଷଣ କରିକି କ'ଣ କଲା ସିଏ ନା କାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲା ସେ କାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ ତା ଦ୍ଵାରା ପରିବହନ କରିକି ସେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଂଶ ପାଖକୁ ପଠଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ପାଖକୁ ସେ ଯିବ ପଠେଇବ ଆଉ ସେ ପତ୍ର କ'ଣ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପତ୍ର କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢାବ ତୁମେ ସେଠି ଡିଟେଲ ସେଠି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା देख कांड मध्य पत्र द्वारा प्रस्तुत खाद्य परिवहन करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थे आउ कौन करे कांड कांड तो जो मूल द्वारा शोषित जल खनिज लवण को प्रथम पत्र पाक पठे देला पत्र कौन कला खाद्य प्रस्तुत कर देला खाद्य प्रस्तुत कर सारा पर पुणे से कौन करिव कांड माध्यम रे ही गछर अन्य पाक को पठेबो नला कोथरे पठेबो बुझबल ତାପରେ ଦେଖ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସାରୁ ଓଲୁଅ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେମିତି ଅଦା ଆଳୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତାର କାଣ୍ଡରେ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁଛି ତ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଆମର କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କାଣ୍ଡ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖୁଛି
ତାପରେ କଣ କଲା ନା ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାକୁ ପତ୍ର ପାଖକୁ ପଠେଇଲା ପୁଣି ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପତ୍ର ପୁଣି କାଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଦେଲା ଆଉ କାଣ୍ଡ ଗଛର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଂଶ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଠେଇଦେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ତେ ତ ମୂଳ ବିଷୟରେ ପଢିଲ କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଲ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାହା ବି ପଢିଲ ତ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତୁମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ତ ଦେଖ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ କାଣ୍ଡ ମାଟି ଭିତରେ କିଏ ଥାଏ କାଣ୍ଡ ଥାଏ କି ମାଟି ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରେ କିଏ ଥାଏ ମୂଳ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୂଳ ଥାଏ ତାକୁ ମୂଳ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ଏବେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ମୂଳର ଅଗ୍ର ଭାଗରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥାଏ ସେ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ମୂଳ ତ୍ରାଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ ମୂଳ ତ୍ରାଣ ତାପରେ ଦେଖ ଗଛର ଡେସ୍ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୁହ କୁହ ଗଛର କିଏ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ ରେ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ ଗଛର ଡେସ୍ ଜଳ ଶୋଷଣ ହଁ ଚେର ଯୋଉଟା କି ମୂଳ ବି କହିପାରିବ ଆଉ ମୂଳର ଯୋଉ ଲୋମ ଗୁଡା ରହିଛି ନା ସେ ଲୋମ ଗୁଡା ବି ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଗଛର ମୂଳ ବା ମୂଳ ଲୋମ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାପରେ ଦେଖ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ମୂଳ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଏ ଯୋଉ ଗଛର ମୂଳଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ତାପରେ ଦେଖ ପର ଗଛର ଓହଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗଛକୁ ସଡ଼କ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ ଧରି ରଖିଥାଏ ବୁଝିଲ ତ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କୋମୂଳ କୁହାଯିବ ତ ବର ଗଛ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତାର ଓହଳ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଓହଳ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ କୋମୂଳ କହିବା ଆମେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ଯେ କିଆ ଗଛର ମୂଳକୁ ଡେସ୍ ମୂଳ କୁହାଯାଏ ଶେଷ ମୂଳରେ ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ମୂଳା ଓ ଗାଜର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଡେସ୍ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ କୋଉ ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ମୂଳା ଆଉ ଗାଜର ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ କାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତାକୁ ଆମର ଗଣ୍ଠି କୁହାଯାଏ ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାଲିଶଙ୍କରା ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ତ କୁହ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପବ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପବ ତାପରେ ଦେଖ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଡେସ୍ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ କଣ କହିଥିଲି ସବଳ କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା ତମକୁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ତ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଚିତ୍ର କରି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ସବଳ କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକର ତାଲିକା କର।
तो एठी तुम्हारा क्लास से समाप्त हो आशा कर तुम मैंने किसी परिमाण में बुझी पार आउ जो थे भी तुम्हारा बुझा किसी भी प्रॉब्लम होम शिक्षक शिक्षय मान को पचारी तुम्हें बुझी नब ठीक अच्छे धन्यवाद।